डिपार्टमेंट कॉन्क्लेव में पधारे हुए आप सभी का स्वागत करते हैं। धनुष भंग सीता स्वयंवर का प्रसंग आपको दर्शन कराते हैं। विश्वामित्र जी राम जी को दशरथ जी से मांग करके लाए, यज्ञ रक्षा करी राम जी ने। अब राम जी एक और यज्ञ रक्षा करने के लिए जनकपुर पधार रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम जी जनकपुर में पधारे। विश्वामित्र जी जनक जी के यहाँ पधारे। जनक जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया। एक सुंदर सदन में विश्वामित्र जी को ठहराया गया जनक जी के द्वारा। अब यहाँ आगे राम जी गुरु जी को प्रणाम करके और नगर दर्शन के लिए, नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त बछलता ही ये होल सानी। नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। लौटा कर ले आऊंगा। क्यों नहीं बेटा राम, आप दोनों भाई नगर दर्शन करने के लिए जाएं और यहाँ के सुंदर नर नारियों को अपने दर्शन भी दिखाएं। जाओ बेटा गुरुदेव। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चली लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। चलो 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 देखो, अरे इस नगर की शोभा को तो देखो, कितनी शोभा बढ़ रही है इस मिथिलापुर की। अरे आओ आओ आओ। अरे भाई ये तो बताओ, इन सबको लेकर के दौड़ करके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे तुमको पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। अरे कितना सुंदर मेला लगा हुआ है देखो। की कोई विशेषता बताइए आप। बहुत सुंदर मेला किस बात का है? किस बात का है बताइए, सुनाते हैं। लागल जनकपुर में मेला, दिखे के हमर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला, दिखे के हमर मनवा करे। हमर मनवा करे सीता का विवाह कर देंगे। तो इस घोषणा को सुनकर के देश देश के राजा, देश देश के राजा भाई राजा भी आइए, महाराजा भी आइए, राजा भी आइए, महाराजा भी आइए।
घोषणा को सुनकर के देश देशांतरों से राजा महाराजा आने लगे और भैया एक से एक अलबेला राजा पधारे। भैया सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आप कह रहे हैं एक से एक अलबेला, अलबेले का क्या अर्थ होता है? अलबेले का मतलब होता है एक से एक विचित्र, और विचित्र किसको कहते हैं? जिसका ना हो कोई चित्र उसे कहते हैं विचित्र। मतलब कोई राजा हाथी पर आ रहा है, कोई घोड़े पर आ रहा है, कोई पालकी में आ रहा है, कोई रथ में आ रहा है, कोई गधे पर ही चला आ रहा है, कोई राजा बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई ठिंगना है, कोई टोटा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूट। एक से एक और देखो गिर गए। उठाओ उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं। एक गौर वर्ण के हैं और एक श्याम वर्ण के हैं, बहुत सुंदर हैं। अच्छा? जिनको एक बार कोई देख लेता है बस उन्हीं को देखना चाहता है। फिर आप वही बात कह रहे हैं, अरे संसार में दो ही तो रंग होते हैं, एक काला दूसरा गोरा, हरा पीला लाल गुलाबी तो होता नहीं है। भैया इन दो रंगों में भी फर्क है। क्या? जैसे एक तो विशेषी काला होता है, जिसे दिन में एक बार देख लो तो कम से कम 6 महीने के लिए बुखार आ जाए। बहुत सुंदर। और एक विशेष गोरा होता है जिसे सूर्यमुखी कहते हैं, वो सूर्य नारायण के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, आंख नहीं खोल सकता। तो एक सामले है, एक गौर वर्ण के हैं, बड़े सुंदर हैं। जहां ता छब वर्ण तो सब लोगों अवश्य देखिए देखन जोगु, तो सभी एक बार उनको देखना ही चाहते हैं। तो तुम भी चलो चलो भैया ने भैया ठहरिए ठहरिए, वो राजकुमार मेला में आए हुए हैं, वहाँ उनको देखने दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो ऐसा कहते हैं पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास, हमारे पास कुछ खर्चा पानी। भैया घमंडी लाल, हाँ संसार के मेला को देखने के लिए पैसे की जरूरत है। हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा है, चलो भैया नैन सुफल करिया में, केवल नेत्र सुख लेना है, केवल नैन सुफल करने हैं। भैया पैसा लगे ना वाले तो हमारे मनवा करे, पैसा लगे ना वाले देखेंगे हमारे मनवा करे, देखेंगे हमारे मनवा करे, अरे भाई इधर। कितने सुंदर हैं, देख रहा है ना, इन्हीं के लिए मैं कह रहा था बड़े सुंदर हैं। मेरे एक दर्जन बच्चे हैं, कोई भी इतना सुंदर बच्चा नहीं। जब बाप ही सुंदर नहीं है तो बेटा सुंदर कहां से होंगे? ये भी बात ठीक है, लेकिन भैया मेरी जो हृदय की इच्छा है इनसे बात करने की है। करने की इच्छा हमारी भी है, लेकिन अब आप जाइए, आप ही नहीं समझ। भाई देखो इनसे कोई पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति ही बात करेगा। पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति हम में से केवल आप ही दिखाई देते हैं, आप ही समझदार हैं, योग्य हैं, भारी भरकम हैं। ओ हम समझदार हैं और सब गमार हैं, लेकिन हम बात कर लेंगे। पढ़े लिखे से लगते हैं ना। लेकिन कहना क्या है इनसे? तो फिर क्या तुम खाक पड़े हो? जब तुमको यही नहीं पता है वहाँ जाके हमको क्या कहना है, तो क्या योग्यता है आपके पास? देखो भैया आज तक इतने सुंदर राजकुमारों से कभी बात की नहीं है। अच्छा ये बात है, तो आप बता दो क्या कहना है। कुछ नहीं, हाथ जोड़ के जाना है नम्रता से और जाकर के कहना है प्रणाम जी। हमारे गांव में तो सब प्रणाम करते हैं, जी कहाँ से बढ़ा दिया? अरे भाई ये बड़े लोग हैं ना, आप राजकुमार हैं ये जानते नहीं है? बड़े लोग जो होते हैं ना, राजकुमार जो होते हैं, उनके लिए जी का जी लगा करके बात करनी पड़ती है। हाँ जी ना जी, हाँ जी, जी को संभाल के रखना। बस बस प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी प्रणाम जी। अरे जी जी ये क्या, दो बार जी मत लगा देना, दो बार जी लगाने का अर्थ है जी जी बहन जी हो जाएंगे फिर, ऐसे नहीं। बहन को कहते हैं जी जी। दो जी लगानी है ना, तो एक काम कर, यहाँ से जाना, जाके कहना प्रणाम जी, फिर लगाना जा और फिर लगा देना जी। ये तो सब उल्टा पुल्टा करने क्या हो जाएगा, उल्टा जीजा जी हो जाएंगे। तो क्या हो गया, हो जाने दो, प्रणाम जी। ऐसे क्या कर रहा है समझेंगे कि बिल्कुल कमा रही है लोग। तो तू होशियार समझ रहा था अपने आप को?
अरे यहाँ तक आवाज आ रही थी लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी, प्रयास करता हूँ। प्रणाम प्रणाम जी, प्रसन्न रहो। अरे बोल गए, कितना मधुर बोल रहे हैं। मैंने कहा प्रणाम जी, उन्होंने कहा प्रसन्न रहो जी। आप ही बोलिए जैसे ये बोल रहे हैं, मीठा बोलिए थोड़ा खाली में। तुमसे तो ज्यादा ही मीठा बोलता हूँ, तुम कौए की तरह काय काय करते हो। पूछो आप कहाँ से आए हैं जी, क्या नाम है? कहाँ से आए हो जी? जी जी ऐसे जी जी, आप कहाँ से आए हैं जी? आप कहाँ से आए हैं जी? हम अयोध्यापुरी से आए हैं। ये अयोध्या से आए? आपका नाम क्या है जी? और पिताजी का, पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी हैं क्या जी? क्या कहता है पिताजी? ये कहो आपके पिताजी का क्या नाम है जी? नाम पिताजी है जी? उल्टा उल्टा कर देता है पूरा। आपके पिताजी, पिताजी का क्या नाम, नाम क्या है जी? हमारे पिताजी का नाम है चक्र चूड़ामणि श्री महाराज दशरथ। इनके पिताजी को चक्कर आते तो औषधि क्यों नहीं दिलाते? चक्कर नहीं आते, ये विशेषण है, विशेषण लगाए, उपाधि लगाई जाती है सभी औषधि। अच्छा अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? हाथ जोड़ के पूछो आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम है रामलाल। और उनका? ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम है लखनलाल। अरे वाह, काम भैया बन गया काम। आपका नाम रामलाल, उनका नाम लखनलाल, तेरा नाम छगनलाल, इसका नाम भजनलाल, इसका नाम ईश्वरलाल, इसका नाम देवीलाल, और इसका नाम पन्नालाल, और मैं हूँ हीरालाल। जय हो, मैं हीरा हूँ। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ किस लिए आए हैं जी? जी आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं जी? हम इस नगर की शोभा देखने आए हैं। नगर की शोभा देखने के लिए? नगर की शोभा तो हम आपको नगर की शोभा तो इन सबसे अच्छी मैं दिखा सकता हूँ। अहो श्यामल गौर किशोर सके पद पंकज में निज शीश झुकाऊं, मुनि दुर्लभ दर्शन पाकर के मन मंदिर में महामोद बनाऊं, उठती अभिलाषा यही प्रभु अनुशासन जो कहे आपका पाऊं, सब जानता मैं मिथिलापुरी को चलूं साथ तुम्हारे दिखा कर लाऊं। हे प्रभु मैं संपूर्ण मिथिलापुरी को जानता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको मिथिलापुरी में भ्रमण करा लूं। क्यों नहीं? नहीं, ऐसे नहीं कराएंगे, ऐसे हम नहीं कराएंगे, पहले कुछ बात कर लेने दो। अरे तुम तो आके पाठ बिगाड़ने के चक्कर में लगे हुए। देखिए सरकार, हम आपको मिथिलापुरी के दर्शन तो करा देंगे लेकिन आपसे हमारा मन कुछ संकोच सा लग रहा है, लेकिन कह देता हूँ मित्रता कर लीजिए आप हमसे। मित्रता? तब तो हम आपको यहाँ घुमाए। आपने बड़ी सुंदर बात कही, मित्रता। जीव जब जन्म लेकर आता है तो उसके और संबंध अपने आप ही बन जाते हैं, पर मित्रता का नाता एक ऐसा है कि मनुष्य को यहाँ आकर स्वयं स्थापित करना पड़ता है, और आज हमें बिना प्रयास के आप जैसे मित्र मिल रहे हैं, तो ठीक है आज से आपको हमने अपना मित्र बना लिया। बना तो लिया, लेकिन भगवान अभी आप नगर दर्शन करके और चले जाएंगे फिर भूल जाएंगे। नहीं नहीं भैया, क्योंकि आप राजकुमार हैं और हम जाति से हैं। भैया चिंता ना करो, जब हमने आपको अपना मित्र बनाया है तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। मित्र मन मानस में पाकर सने नीर, कमल समान सदा फूले हैं और फूलेंगे, चक्रवर्ती ताज क्या है, तीनों लोक राज सुख प्रेम के मुकाबले तूले ही ना तूलेंगे, बिंदु कवि भोले भाले भक्तों के नौके चौके टेढ़े सीधे बचन कबूले हैं और कबूलेंगे, कार बार जग के हजार बार भूले किंतु तुम प्रेमियों के प्यार को भूले है ना भूलेंगे, रामचंद्र भगवान की। आप नगर की शोभा देखिए और देखिए आप हमारे साथ में आइए, आप थोड़ी देर हमारे साथ में चलिए, हम यहाँ की शोभा को दिखलाते हैं। आबो आबो इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे, आबो आबो इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे, ये है महल जनक जी। जनक जी
चंदन जड़े हैं दीवारे देखो रचना राज तुदारे चंदन जड़े हैं दीवारे देखो रचना राज तुदारे। ये इधर जनक जी का महल है और ये महल सुने ना केरो जरा नजर इधर को फेरो ये महल सुने ना केरो जरा नजर इधर को फेरो यहाँ बने अनेक चौबारे देखो रचना राज दुलारे घर को प्यारे करें प्रभु। इधर धनुष यज्ञ सुखताई यहाँ की शोभा बरनी न जाई यहाँ भूप अनेक पधारे। आप हमको यहाँ से आगे नहीं ले जाएं अपने साथ में क्योंकि जनानी डौड़ी पड़ती हैं हम लोगों का प्रवेश निषेध है लेकिन आप यहाँ से भ्रमण करके आए तो फिर हमारे घर पे भी आना। आपके घर आपका घर कहाँ है? और किसी से भी पूछ लेना छगन मगल लाल कहाँ रहते हैं जिनके छप्पर पर जलेबी सूखती रहती है सब लोग जानते हैं इस गांव में। ठीक है ठीक है। इधर राम जी अब धनुष यज्ञशाला की ओर विश्वामित्र जी के साथ पधारे। जनक जी ने राम जी का और विश्वामित्र जी का स्वागत किया। हर से जनक देख दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाए कर बिनती निज कथा सुनाई रंग अवनि सब मुनि ही दिखाए। हे महामुनि आपको यहाँ विस्मय हो रहा होगा कि ये स्वयंवर किस लिए रचाया है। जब से भगवान आशुतोष शिव ने अपना वह विशाल धनुष हमें दिया उनकी आज्ञा अनुसार मैं विधिवत पूजन करता ही रहा। कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा धनुष की पूजा का भार महारानी सुनैना के हाथों में सौंप गया लेकिन गुरुदेव मेरी महारानी सुनैना भी पूजन करना भूल गई। हमारी पुत्री सीता ने देखा कि आज धनुष का पूजन नहीं हुआ है। धनुष को बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ से चौका लगाकर पुनः स्थान पर विराजमान करा के उसका पूजन भी किया। जब मेरा वहां से लौट करके आना हुआ महारानी सुनैना के द्वारा जब मुझे सारा वृतांत ज्ञात हुआ महात्मन मैंने विचार किया कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है अवश्य ही कोई शक्ति है और इस शक्ति को महान शक्तिमान से मिलाना ये विधेयराज का परम धर्म बनता है। महात्मन मैंने इसी कारण को लेकर के ये स्वयंवर रचाया है। वैसे अन्य नेपालों के विराजमान होने हेतु तो यहाँ पर चार प्रकार के सुंदर स्थानों का निर्माण कराया है लेकिन आपके लिए मिथिला के कुशल कारीगरों द्वारा सबसे सुंदर और सबसे उच्च सिंहासन का निर्माण कराया है। सारी रंगभूमि का अवलोकन कराता हुआ आपको वहां अग्रसर करता हूं। आइए मेरे साथ चलिए। सब मंचन दे मंचिक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचा जो मंच था रंग भूमि में विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों को वहां जनक राज जी ने बैठाया। अब जानी सुअवसर सीय तब पठी जनक बुलाए। हमारी पुत्री सीता को पूजन के लिए बुलाया जाए पूजन का समय हो चुका है। सावधान राजकुमारी की पधार रही है। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा इधर सीता जी धनुष का पूजन कर रही हैं
और साथ ही साथ धनुष का पूजन करते हुए कुछ मांग रही हैं सीता जी। क्या मांग रही हैं सीता जी? सिया मांगे अवध को राज सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राज सरयू नहावे को। दशरथ जैसो ससुर मांगे, दशरथ जैसो ससुर मांगे, दशरथ जैसो ससुर मांगे। सिया मांगे, सिया मांगे, सिया मांगे कौशल्या सी सास सरयू नहाने को। अरे सिया मांगे अवध को राज सरयू नहावे को। और क्या मांग रहे हैं? लक्ष्मण जैसो दुर्गा मांगे, लक्ष्मण जैसो दिव्रा मांगे, लक्ष्मण जैसो दिव्रा मांगे। मांगे 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 राम भक्ताज सरयू नहावे को। मांगे मांगे राम भक्ताज सरयू नहावे को। सिय सोभानी जाय बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लगुलागी प्राकृत नार अंग अनुरागी। सेवा सुमति और बिमति, अपनी विशाल भुजाओं को ऊपर उठाओ और हमने जो प्रण किया है हमारे प्रण की घोषणा सारी सभा में सुना दी जाए। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पल विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। राजा लोगो, हम दोनों भाई सुमती विमती अपनी विशाल भुजा उठा करके जो महाराज जनक का प्रण है उसकी घोषणा कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान दे करके सुने। नृप भुज बल विधु शिव धनुरा गरुव कठोर विदित सबका, रावण बाण महाभक्त भारी की सरासन गवही सिधारी। हे राजाओं, जो भगवान शिव का धनुष है ये आज तुम्हारे लिए एक राहु के समान है, और जो तुम्हारी भुजाओं का बल है वह एक चंद्रमा के समान है। ये राहु बनकर के तुम्हारे चंद्रमा रूपी बल को नष्ट कर देगा। और ये तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख ही लिया है। रावण 1200 से योद्धा यहाँ आए, लेकिन इस धनुष के सामने नतमस्तक होकर के इसे प्रणाम करके अपने भवनों के लिए सुधार गए। सोई सोई पुरारी को निकटोरा, राज समाज आज जी तोरा। वही भगवान शिव का धनुष आज इस राज समाज के मध्य में रखा गया है। आओ और कौन इस धनुष का खंडन करता है देखिए। एक एक राजा आए प्रणाम करके ही चले गए।
किसी भी महाराज की जय हो। सब निप भई जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। महाराज सभी राजाओं ने 10,000 राजाओं ने एक बार में इस धनुष का खंडन करना चाहा लेकिन किसी से भी यह धनुष नहीं टूटा। महाराज क्या कहा? किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ लेकिन क्यों नहीं हुआ है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज मेरी पड़को सुन करके यहां पर देश देशांतरों से राजेंद्रगण पधारे हुए हैं और राजा ही नहीं देवता दानव यक्ष गंधर्व किन्नर लोकपाल सुरपाल ये सभी मानवों का भेष धारण कर करके आज इस सभा में यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि किसी भी नेपाल से धनुष का खंडन नहीं हुआ। अरे देव देव दानव मानव शरीर धर और खासे खंड खंड के अखंड भोजवारे हैं। कहते चक्रवर्ती यशवर्ती गुणवर्ती और विजित रणांगन के कर्ण सूत्र धारे हैं। आए सुन मेरो प्रण कीरत कुमार लेन पर दर्द दंड ओट निज मेमन निहारे हैं। अरे विधाता तूने ये सुंदर मुझे कन्या दी है, पृथ्वी तूने ये सीता दी, लेकिन इसके लायक घर बर न दिया। अरे जिस वृक्ष की छाया में मेरी कन्या सुख पाती ऐसा कोई तर वर न दिया। मैंने दुल्हन का साज सजाया सभी पर मांग सिया की बरन सका विद्रूट विधाता गया मुझसे मैं द्वारे पे डोली मगा न सका। क्या करूं मेरी कन्या? अरे क्या करूं बीड़ा मगा दूं तेरे गीत गाने के लिए या फिर योग या साड़ी सजा दूं आज तेरे योग पाने के लिए। पुरवासी हो अरे देखो यही है इस जनक की जान की और श्राप मत देना सुता जान की मम प्राण की। इतिहास होगा अगर तेरा तो स्वर्ण अक्षरों में जान की योगी यदि माला जपेंगे सीता तेरे नाम की। सिंदूर बिंदु की आस तजो तुमको जोगिन बन जाना लिखा शंकर की सेवा में सीते ये जीवन शेष बिताना लिखा। चल मेरी बेटी चल। अरे मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट मिटाता हूँ गोदी में ले मैं चली तुझको मैं सागर में डूबने जाता। लेकिन ऐसे नहीं देश देशांतर से पधारे हुए राजाओं ए देश देश के राजागण सुनो यदि यह विचार पहले होता तो यह दुर्गति नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो यह बेइज्जती नहीं होती। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू और लिखा ना विद पे दे ही विवाहू। आशा छोड़ प्रस्थान करो हम सभा जोड़ कर पछताने सीता सकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हे देश देश के राजागण अरे मैं किसे कहूँ बलशाली है मुझको तो ये मालूम होता ये वीरों से खाली है। आप जाओ यहाँ से। खेल खड़क खेल भाई मोहे रजमट भड़कत दे निज सोहे कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जन बाल नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के श्रोमणी आर्य कुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आप सुन रहे हैं ये विधेयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विधेयराज
मेरे सामने मेरे स्वामी उपस्थित हैं, अन्यथा तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता, उत्तर ही नहीं मैं भली बात करके भी दिखला देता। कैसे सहूं मैं नाथ शब्द के भंग करारे, सोचे समझे बिना जनक ने जो कह डाले। क्या जाना है इस क्षत्रिय समाज में कोई पीर नहीं है, या हम रघुवंशियों के निसंग में कोई तीर नहीं है। कह दो रघुवंशी राम, किस तरह इन्हें समझा दूं मैं, हम रघुवंशी कैसे होते हैं, या करके अभी दिखा दूं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित बाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंड जिम तू है प्रताप नाथ, जो ना करूं प्रभु पद शपथ तो पुण्या धरु धनु हाथ। मैं पुण्या धरु धनु हाथ नाथ में यह प्रण रोपूं, उलट दाऊं ब्रह्मांड यदि मैं छिन में कोपूं। ये सब राजा हार मान इनके मुख मोड़ू, चरण कमल और लाए नाथ पल में धन तोड़ू। प्रभु यदि आज आपने इस धनुष का खंडन नहीं किया तो मैंने यह धनुष गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए धारण किया है, मैं इसको आज से धारण करना छोड़ दूंगा। इधर लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो पृथ्वी डगमग आ गई। सेनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया और अपने समीप में बिठाया। अब वो समय आया, विश्वामित्र जी ने सोचा। विश्वामित्र सब है शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बेटा राम तुम उठो और इस धनुष का खंडन करो, जो विदेह राज के मन में कष्ट है उन कष्टों का निवारण करो। उठो बेटा राम। सुनि गुरु वचन चरण से रुनावा, हर से विषाद न कछु उर आवा। ठाणी भई उठी सहज सुभानी, ठवनी जुमामिक राज लजाई। राम जी खड़े हुए और जैसे जैसे धनुष की ओर बढ़ने लगे तो जानकी जी की जो माता जी थी उनके मन में विषाद पैदा हुआ। राम ही प्रेम समेत लख सखीन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कही बिलखाए। हे सखी देख रही हो ये क्या कौतुक हो रहा है, इस स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा आए परंतु इस धनुष को मस्तक झुका करके सभी अपने भवनों के लिए लौट गए, और यह छोटे से सकुमार बालक भला क्या इस धनुष को उठा सकते हैं। हे सखी इस समय राजा को जाकर न कोई समझाता है, ये बालक इस हट योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण वाणा सुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, अब समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। दासियों कोई महाराज को जाकर के समझाता भी नहीं है भला ये बालक इस धनुष को कैसे उठा सकते हैं, अब तक बदनामी बहुत हुई अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं, इससे तो अच्छा यही है ये उत्सव बंद करा देवे। सीता के योग्य देख वर वैदेही की भामर डलवा देवे। महाराज को क्यों नहीं समझाते हैं जाकर। इधर सखी ने महारानी को समझाया। हे महारानी जी कभी तेजबान पुरुष को देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, सूखे ही स्वे से सकल संसारा। कुंभद ऋषि जी देखने में छोटे थे परंतु उस विशाल समुद्र को
एक अंजनी भी पान कर गए थे। रवि मंडल देखत लभुलागा, उदय ताश त्रभुवन तुम भागा। जब सूर्य नारायण अपने प्रकाश से उदय होते हैं तो समस्त संसार के अंधकार को दूर कर देते हैं। इसलिए महारानी जी, यह बालक बड़े बांकुरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे और बड़े से क्या रखा, ताकत तो चीज कुछ और ही है। इसलिए छोड़कर घबराहट महारानी धीरज धरिएगा, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे विश्वास हृदय में करिएगा। हे किशोरी, हे महारानी जी, आप धैर्य धारण करें, प्रभु श्री राम ही इस धनुष का खंडन करेंगे। सखी वचन सुन भय पर तीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुन करके महारानी जी का विषाद दूर हुआ। अब इधर सीता जी भी विचार करने लगी। तब राम ही बिलोक बेदेही, सब हृदय बिनवत जिहितेही। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। ही गणपत आज सफल कर दूं, मेरी सारी दिन की सेवा को। ही महादेव प्रसन्न होकर हरिये दनुआ की गढ़ता को। ही पार्वती ही दयावती, दीनों की माता तुम ही तो हो। मैं आज तुम्ही पे निर्भर हूँ, तुम ही मेरी वरदाता हो। ये धनुष तुम्हारी पतका है और तुम पत की प्यारी हो। तन की समान तो रे रघुवर, जब पूरी आस हमारी हो। यदि प्रभु श्री राम ने इस धनुष का खंडन कर दिया तो मैं 14 वर्ष वन में रहूंगी। प्रभु तन चिते प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिय ही बिलो कि तक्यो धन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। इधर अब लक्ष्मण जी ने विचार किया, राम जी अब धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मंड। हे दसों दिशाओं के दिग्गज कश्यप वीर 12 समस्त हाथियों, मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो प्रभु इस धनुष का खंडन करें, प्रभु इस धनुष को उठाएं और यह पृथ्वी कंपायमान हो जाए। हे देवी पृथ्वी, फिर मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। इधर राम जी ने सीता जी को विकल देख, त्रिशत बारी जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। हाँ, जब फसल सूखकर उजड़ जाती है उसके पश्चात यदि जल की वृष्टि हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। यदि किसी भूखे को समय पर भोजन ना दिया जाए और उसके बाद उसे 56 भोग 3600 व्यंजन दिए जाएं तो उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है। यदि जीव का पानी के बिन प्राण निकल जाए, उसके बाद उसे अमृत पिलाया जाए तो उसका भी कोई लाभ नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं, मरे दो मुट्ठी अन्न बिना तो सतरस भोजन मिट्टी है। दो घूट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है। यदि समय पड़े पर चूक गया फिर पछताए क्या होता है। इसलिए अब मैं विलंब नहीं करूंगा, इस धनुष को शीघ्र ही तोड़ डालूंगा। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीत बिरसेखी। और इधर गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, अति राघव उठाए धनु मीना। प्रत्युभा में निजि मिज भयउ पुनि नभु धन मंडल संग भज। तेज चढ़ावत के जत कारे, काम लखाने के सब खाड़े। पीछे राम बाप धन को पाए, दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। राम जी ने धनुष के दो खंड कर दिए। इधर सतानंद जी ने जानकी जी को आज्ञा दी कि अब राम जी को विजय माला पहनाया जाए।
सतानंद तब आय सुदीना सीता गवन राम पही कीन्हा। बेटी सीता राम के गले में माला पहनाओ डालो। हे राम लला थोड़ा सा आप झुक जाइए, मेरी बेटी बहुत छोटी है, आप माला पहन लीजिए। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब की ठाड़ी चरण दुखन लागे, कब की ठाड़ी चरण दुखन लागे। राम तुम हो बड़े ही बेपीर कली मेरी छोटी सी। राम तुम हो बड़े बेपीर कली मेरी छोटी सी। राम जी झुक नहीं रहे हैं और ऊंचे खड़े हैं और ऊंचे हो जाते हैं। झुक जाइए राम लला। अजी लीजे पहन जे माला सुनो हुन दशरथ के लाला। लीजे पहन जे माला सुनो दशरथ के लाला। लीजे पहन जे माला सुनो हुन दशरथ के लाला। लीजे पहन जे माला सुनो दशरथ के लाला। तोड़ो धनुष तो झुक न हो परी है, धनुष तो झुक न हो परी है। बनिए ननखड़े बाला सुनो नप दशरथ के लाला। पहने बाला सुनो नप दशरथ के लाला। झुक जाइए हे राम जी, थोड़ा सा झुक जाइए, माला पहन लीजिए। सिरु धनुष तोड़ा राम ने स्वयं वर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी करने लगे आरती। रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं बाग मल्लक पढ़ रहे तो छुपान से, मंत्र पढ़ रहे तो छुपान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। माथे पे मुकुट का देखे तरकस कमान थे, हाथ में जब आई जानकी। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। किसी कवि की कविता में लिखा है कि सीता जी विचार कर रही हैं, जय माला हाथ में लेके खड़ी हैं, राम जी पहन नहीं रहे हैं, तो अब इसमें क्या किया जाए। तो राम सीता जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी से कोई सहायता ले ली जाए। तो लक्ष्मण जी को आंखों ही आंखों में सीता जी इशारा कर रही हैं और क्या कह रही हैं। हाँ कुछ लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे श्री
सुखी अवतार मुझे दे दो सहारा, ऐसे सुखी अवतार मुझे दे दो सहारा। अरे भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। सीता जी लक्ष्मण जी से कह रही है कि तुम तो शेष के अवतार हो, तो मेरा कुछ ऐसा सहयोग कर दो जिससे कि मैं जयमाला पहना दूं और इस एहसान को मैं तुम्हारे जीवन भर नहीं भूलूंगी। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, माँ मैं ऐसा क्या करूं? तो सीता जी बता रही हैं कि भैया कुछ देर के लिए लखनपत भीख उठाले, कुछ देर के लिए लखनपत भीख उठाले, ये भाव तेरे भैया तुझे माल पहना दे, सीता जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं कि भैया तुम शेष के अवतार हो, इस पृथ्वी को उठा लो जिससे कि मैं ऊंची हो जाऊंगी और जयमाला पहना दूंगी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो बड़ी कठिन समस्या हो गई, अब पृथ्वी कोई फूट के तो उठेगी नहीं, उठेगी तो पूरी उठेगी, और पूरी उठेगी तो राम जी भी वहीं रहेंगे और लक्ष्मण जी भी वहीं रहेंगे और सीता जी भी वहीं रहेंगे, तो इससे तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। फिर अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि पर कोई समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर कबूल पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर पड़े। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मैं राम जी को प्रणाम करने लग जाता हूँ। राम जी ने सोचा कि भैया प्रणाम थोड़ी बहुत घड़ी होती है, पर लक्ष्मण जी ने तो समाधि सी लगा ली। गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा ली, गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा ली, श्री राम जी भाप के दोनों की बात को, श्री राम जी भाप के दोनों की बात को। राम जी को मालूम पड़ा कि भैया ये दोनों देवर भाभी का कोई चक्कर है, तो राम जी भी समझ गए कि ऐसे तो लक्ष्मण मुझे नहीं झुकने देंगे, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो मैं लक्ष्मण जी को उठा लूंगा, इतने में सीता जी जयमाल पहना देंगी, तो मेरा भी प्रण बचा रहेगा और सीता का कार्य भी हो जाएगा। श्री राम जी भी भाप के दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप के दोनों की बात को, सिर भी चकर उठा के लखे लखन बात को, चकर सियावर रामचंद्र की, जय रामचंद्र भगवान की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने धनुष यज्ञ और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वृंदावन शोध संस्थान जिला प्रशासन मथुरा एवं अयोध्या शोध संस्थान के सहयोग से ये सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मैं हूँ आपकी आज की संचालक एंका गुनगुन, और थोड़ी ही देर में आगरा से आई हुई हमारी रुचि शर्मा जी अपनी प्रस्तुति देंगी।